वित्त मंत्री ने पेश किया अंतरिम बजट। टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव। बजट में हर वर्ग का रखा गया ध्यान। 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प। गरीबों की उम्मीदों पर खरा उतरने की गारंटी। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण अभियान। 1 करोड़ घरों में सोलर ऊर्जा लगाने का लक्ष्य। लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च किया जाएगा। ये तमाम बातें यहां पर निर्मला सीतारमण की तरफ से कही गई हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया। बजट में महिलाओं और किसानों और युवाओं पर फोकस किया गया। बजट में टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं करने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही उन्होंने करीब 10 साल पुराने टैक्स संबंधी मामले वापस लिए जाने की बात कही। बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए। तो वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया और इसमें आपको बता दें कि कई बड़े ऐलान उनकी तरफ से किए गए हैं और इसको सरकार ने एक ऐसा बजट बताया जिसका आने वाले समय में काफी फायदा मिलेगा। टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव, ये एक कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए झटका है। 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प रखा गया। सरकार ने कर दरों में कटौती की है और इन्हें विवेकपूर्ण बनाया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं थी। खुदरा व्यापार के लिए प्रिजेम्प्टिव कराधान की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई। इसी प्रकार प्रिजम्प्टिव कराधान के पात्र व्यवसायियों के लिए यह सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई। साथ ही कॉरपोरेट कर की दर मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए 30% से बढ़ाकर 22% की गई और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए यह दर 15% की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के भाषण के समापन के बाद अपनी सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इसे देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का अंतरिम बजट समावेशी होने के साथ साथ नवोन्मेषी भी है। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। तो ये प्रधानमंत्री का संबोधन आपने सुना। 1 करोड़ घरों में सोलर की बात उन्होंने कही। लखपति दीदी योजना को विस्तारित किया जाएगा। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। ये बात उनकी तरफ से कही गई।